हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप पोर्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एंड उसमें अगर आपको DRM एरर लिखा आता है और कोड में एक कोड आता है 7005, तो किस तरीके से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, फिक्स होगी, आइए इस वीडियो में जाने। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको ओट के अंदर DRM एरर आ रहा है तो इसे कुछ तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है या फिर कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको काम यही करना है कि ओट एप्लीकेशन को बंद कर देना है। ठीक है, एक बार ओट एप्लीकेशन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से उस ओट एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद कर देना है, ओट एप्लीकेशन को हटा देना है। उसके बाद फिर से आपको एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, यानी फ़ोन को एक बार बंद करना है, या पर पावर ऑफ या फिर रिस्टार्ट बटन जो भी आपके पास है फ़ोन में, तो उससे दबाइए और अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप रिस्टार्ट कर दे, वापस से ओट को इंस्टॉल कीजिए एंड देन आप चेक कीजिए आपकी जो वीडियो है, DRM की प्रॉब्लम एरर सॉल्व हो जाएगी। कभी कभार सर्वर की इश्यू प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से DRM एरर दिखाता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो उस केस में आप जो है अपने प्ले स्टोर को पिंग कर लीजिएगा और प्ले स्टोर में जैसे आप चले जाते हैं तो यहाँ से आपको जो है ओट एप्लीकेशन को अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट किस तरीके से करना है सभी लोगों को पता है कि सिर्फ आपको यहाँ पर जो है ओट लिख देना है एंड जैसे आप ओट लिखते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली अपडेट कर पाओगे अपने एप्लीकेशन जो भी आपका ओट का है। तो यहाँ पर ओट सर्च करिए, ओट एप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ से आप इसे अपडेट करवा लीजिए। जैसे आप अपडेट करवाते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। कभी कभार पुराना वर्जन इस्तेमाल करने से भी इश्यू आता है या फिर अभी भी दिक्कत आती है, फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उस केस में एक और तरीका है जिससे आप यहाँ पर अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको ओट सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर ओट सर्च करते हैं गूगल के अंदर, यहाँ पर ओट की एक नंबर की वेबसाइट आ जाती है। इसे ओट ने अपनी वेबसाइट के तौर पर जारी किया है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन की जैसे ऐप की जैसी ही मिलती है। तो जैसे आप इसके अंदर चले जाते हैं ओट एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पर आप जो है जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इस वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। ओट की ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके अंदर आप जो है देख सकते हैं जो भी वीडियोज़ वगैरह आप प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी।